तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला दिन खत्म हो चुका है टेस्ट का। यकीन मानो भाई, ये पूरी की पूरी वीडियो मोहम्मद सिराज के ऊपर बनने वाली है। मियां भाई ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, लोगों का मुंह बंद कर दिया है भाई। डेफिनेटली जिस तरीके से गेंदबाजी की गई है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। अनएक्सपेक्टेड पूरी तरीके से, मैं सोच भी नहीं सकता था इस तरीके की गेंदबाजी हो सकती है हमारी तरफ से। बवाल गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने, मतलब माकरम, एलगर, जॉर्जी, दो रन पे माकरम, चार रन पे एलगर, दो रन पे जॉर्जी, ये सारे वो मतलब दोनों ओपनर्स को चटकाया। वन डाउन आया वो भी गया। उसके बाद बेडिंगम 12 रन पे, बेडिंगम को थोड़ा सा रुकने का टाइम मिला, 12 रन बनाए। वेल वेरेनी ने 15 रन बनाए और जेनसन 0 पे आउट किया। पता है जेनसन वो ऑलराउंडर है जो पिछले टेस्ट में एलगर के साथ 60 रन की पारी खेली थी। अच्छा खासा दमदार है भाई ये लड़का, और भाई इसने सारी विकटें चटका दी। मतलब ऐसा लग रहा है ना, ये मैं साउथ अफ्रीका के स्टैट्स नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ श्रीलंका के स्टैट या नेपाल के स्टैट देख रहा हूँ। मतलब नेपाल तो हटाई, तो श्रीलंका, ऐसा लग रहा है श्रीलंका बना दिया साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका की धरती पर। बवाल खेला है भाई। अगर आप मोहम्मद सिराज के फैन हो ना तो बने रहो यार, इस लड़के में बहुत ज़्यादा दम है। और भाई ये बंदा बहुत ऊपर के लेवल का खिलाड़ी हो रखा है भाई। हम ना बैट्समैन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, हम बल्लेबाजों के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन सॉरी गेंदबाजों के बारे में नहीं सोच रहे उस तरीके से। मतलब होता है ना भाई, जैसे विराट कोहली को बहुत ऊपर का, जैसे भाई मैं बता रहा हूँ, विराट कोहली अगर 100 है ना, तो ये लोग भी भाई 80 तक पहुँच गए हैं। ये बंदे 100 क्रॉस भी कर जाएंगे तो विराट कोहली के ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे, हमारा देश जिस तरीके से चलता है। लेकिन हाँ, सिराज ने आज जो परफॉर्म किया, बहुत कमाल का परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका के मैदान पे। मतलब भाई सही में लग रहा है कि भाई गेंदबाजों के लिए मैदान सही में है। इनसिंग, आउट स्विंग, बाउंसर्स, बहुत अच्छी खासी वेरिएशन है। मज़ा आ गया भाई मोहम्मद सिराज को लेके। मतलब लिटरली अगर आप इनके फैन हो तो भाई स्टैट्स तो देखो, 9 ओवर डाले हैं, 3 ओवर मेडन, 15 विकटें लिए हैं, सॉरी 15 रन बनाए दिए हैं बस, और 6 विकटें लिए हैं, 1.66 का इकोनॉमी। मतलब इतना कम, बवाल परफॉर्मेंस रही है, बवाल परफॉर्मेंस, दिल खुश हो गया। बाकी मतलब बॉलर्स को ही छोड़ा है, बुमराह ने बस एक बल्लेबाज को उखाड़ा, बाकी बॉलर्स ही छोड़े हैं इन लोगों ने मुकेश उकेश के लिए कि बॉलर्स ही उखाड़ो, तुम भी अपनी विकेट विकेट बनाओ। लेकिन क्या बवाल परफॉर्मेंस रही मोहम्मद सिराज की। सो फ्रॉम डीप इन माई हार्ट मोहम्मद सिराज को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, और उनके फैंस को उससे भी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मैच।